हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम आप लोग के लिए क्रोचेट वर्क से ये मिनी फ्लावर पॉट का पैटर्न लेकर के आए हैं। आप इसका साइज़ हमारे हैंड पे देख सकते हैं, क्यूट सा मिनी फ्लावर पॉट है ये। आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोग को ऑप्शंस भी देती हूँ। आप इसको ईज़िली अपने घर में एज ए डेकोर कहीं टेबल पर आप रख सकते हैं। इसको ईज़िली स्टैंड हो जाता है। अगर कभी आपका ये स्टैंड ना हो रखने में, हल्का सा बस आप इसको सेट कर दीजिए, स्टैंड हो जाता है ये। आप अपनी कार वगैरह में, अपनी व्हीकल जिसमें भी, आप इसके कई पीसेस जैसे 4 to 5 पीसेस रेडी करके आप फ्रंट पे इसको लगा सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश लगता है। इसके अदर आप इस पर अगर चाहें तो एज ए पर्स में आप हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक डोरी वगैरह इसमें अटैच कर सकते हैं क्रोचेट वर्क से, तो आप पर्स पे भी इसे अटैच कर सकते हैं। इसके अदर यहाँ से अगर आप इसमें की चेन इस अटैच कर दें तो आप एज ए की रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक गिफ्टिंग के लिए बहुत ही प्यारा सा आइटम रहता है। किसी को आपको गिफ्ट करना हो और ना समझ में आए कि क्या एक यूनिक सी चीज़ दी जाए, तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। एंड ये इतना क्यूट सा छोटा सा रहता है कि ईज़िली मतलब बन भी जाता है, ईज़िली हैंडल भी हो जाता है। गिफ्ट देने के लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट भी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत क्यूट सा प्यारा सा भी लगेगा। तो चलिए आज फिर हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड जो नोटिफिकेशन बेल दी हुई होती है, बेल आइकन, उस पर ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड किया करूँ उसकी नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करें। और आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोग में से कोई भी इस फ्लावर पॉट को बनवाना चाहते हैं, आप कलर्स कस्टमाइज़ करवा सकते हैं मेरे से। अगर आप लोग कोई ऑर्डर करना चाहें तो हमारा आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, या व्हाट्सएप नंबर मेंशन रहता है आप उस पर मैसेज कर दीजिए, तो अपना ऑर्डर बुक आप करा सकते हैं। चलिए फिर पैटर्न को भी स्टार्ट कर लेते हैं। इस पैटर्न पे वर्क करने के लिए देखिए हम कॉटन थ्रेड्स का यूज़ कर रहे हैं। थ्रेड के कलर्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। मैं जो कलर्स यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। फ्लावर मैं रेड की जगह पिंक कलर का वर्क कर रही हूँ इस बार। इस तरीके की ये वायर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। वायर नहीं, सॉरी, ये स्टेम पार्ट है, वायर हम अलग से यूज़ करेंगे। इस सब की हमें नीड होगी सीजर एंड हुक साइज 1.75 mm का हुक साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके की स्टफिंग के लिए हम लेंगे। इसके अंदर हमें ग्लू गन की नीड होगी एंड लीफ पे वर्क करने के लिए वायर की नीड होगी। चलिए फिर अब हम पैटर्न स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पॉट का पार्ट रेडी करते हैं, उसके लिए हम ये कलर यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से एक नॉर्मल मैजिक रिंग वर्क कर लें। मैजिक रिंग में देखिए हम सिंगल क्रोशिया का वर्क लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 6 सिंगल क्रोशिया का वर्क हमने लिया है। इसको पुल कर लेते हैं एंड जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इस पर हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइनिंग कर देते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लेंगे। सेम स्टिच पर ही हम अगेन स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। नेक्स्ट स्टिच 2 सिंगल क्रोशे इन द सेम स्टिच। नेक्स्ट स्टिच 2 सिंगल क्रोशे इन द सेम स्टिच। देखिए, इस राउंड में हमें एवरी स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे का वर्क देना होगा। देखिए, ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। ये हमारी लास्ट स्टिच है जिसमें हमने फर्स्ट टाइम पे जहाँ हमने ज्वाइन किया था, स्लिप स्टिच किया था, वहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया वर्क कर लिया था। 1 हम इस साइड से वर्क कर लेते हैं, तो टोटल हमारी ये 12 सिंगल क्रोशिया का वर्क हो गया। स्लिप स्टिच से अब इसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट राउंड 1 चेन।
जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है सेम स्टिच पर ही वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच टू सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, नेक्स्ट स्टिच वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट टू इन द सेम, नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट टू इन द सेम। देखिए इस रो में हमारा ये 1-2 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। एक स्टिच पे हम वन सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं एंड नेक्स्ट स्टिच पे हम टू सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लें। देखिए ये राउंड हमारी वर्क हो गई है। नेक्स्ट राउंड के लिए वन चेन हमने ली है, सेम स्टिच पर ही हम वन सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच वन सिंगल क्रोशिया, इन द नेक्स्ट वन टू सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, वन सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, टू इन द सेम। ठीक है, इस राउंड में हमारा 1-1-2 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से इसे कंटिन्यू कर ले। देखिए ये राउंड भी हमारी वर्क हो गई है। अब हमारे पॉट का ये बेस पार्ट रेडी हो गया है। अगर आप साइज़ इंक्रीज करना चाहते हैं पॉट का तो आप इसमें एक या दो रोज़ और जितना साइज़ आप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप रोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं करनी है क्योंकि मैं जिस साइज़ में वर्क कर रही हूँ। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए अब हमें ऊपर का इसका जो ये वाला पार्ट रेडी करना होगा, ये हमारा बेस पार्ट रेडी हो गया। अब हमें इस पार्ट को रेडी करना होगा। तो देखिए इसके लिए हमने वन चेन वर्क कर ली है। अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास टू लूप्स आपको क्लियर शो हो रहे होंगे। ये वी जैसे वर्क बना हुआ है। इसका ये जो बैक साइड वाला लूप है दिस वन, इस पर देखिए हम वर्क करेंगे। इस पर हमें वर्क करना होगा हाफ डबल क्रोशिया का। ये देखिए इस तरीके से, देखिए हम केवल एक लूप पे वर्क कर रहे हैं, बैक लूप पे। एवरी स्टिच पे वन सिंगल क्रोशिया, सॉरी वन हाफ डबल क्रोशिया का वर्क हमें लेना है। इसी तरीके से इसे कंटिन्यू कर लें। ये देखिए रो हमारी वर्क हो गई है। एंड में हमने जो हमारा फर्स्ट डबल हाफ डबल क्रोशिया था उस पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया इसको। अब नेक्स्ट रो के लिए हमें वन चेन लेनी होगी, सेम स्टिच पर ही जहाँ हमने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। लेकिन देखिए इस बार हम बोथ लूप्स पे वर्क करें, मीन्स इस रो में हमने बैक लूप पे ओनली वर्क किया था, अब यहाँ से हम बोथ लूप्स पे वर्क करेंगे। ये आप देख सकते हैं टू लूप्स हैं, मैं हम दोनों पे वर्क कर रहे हैं। एवरी स्टिच पे हमें वन हाफ डबल क्रोशिया का वर्क ही लेना होगा। इसी तरीके से इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हमने टोटल इसकी 1, 2, 3 एंड 4 फोर रोज़ हमने ये हाफ डबल क्रोशिया की वर्क की हुई है। तो ये फोर रोज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं। वन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड पे हम हैं, टू मोर रोज़ हम वर्क कर लेते हैं इसकी। ये देखिए ये हमारी फोर रोज़ कंप्लीट हो गई हैं हाफ डबल क्रोशिया की। ठीक है, अगर आप पॉट का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप रोज़ इसमें एक दो और इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से अब हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे। ये एक 1 mm हुक साइज है, इससे हम यहाँ पे इसको ऐसे सिक्योर कर लेते हैं थ्रेड को।
थ्रेड को ऐसे अंदर की साइड ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें इसमें फिलिंग भी करनी है। सॉरी, इसको अब हम साइड रख देते हैं। नेक्स्ट वर्क के लिए हम ये अपना ये ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं, हमें इसका ये वाला पार्ट रेडी करना होगा। ये पार्ट आप देख सकते हैं कि हमारा सेम पार्ट होगा जो कि हमने बेस पार्ट रेडी किया है अपने पॉट का, ये वाला पार्ट सेम यही पार्ट हमारा होगा। मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ इसकी एक बार रैंडमली। मैजिक रिंग लिया, 6 सिंगल क्रोशिया का वर्क कर लीजिए। इसको पुल कर लेंगे, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया पे अपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट रो के लिए एवरी स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा हमें। इसको कंप्लीट कर लें। देखिए रो हमारी वर्क हो गई है। नेक्स्ट रो के लिए हमने 1 चेन लिया है। नेक्स्ट रो में हमारा 1-2 का पैटर्न रिपीट होगा। देखिए एक स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 इन द सेम स्टिच। इसी तरीके से इस पैटर्न को कंटिन्यू कर ले 1-2 का पैटर्न। देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो के लिए हमने 1 चेन लिया है। इस रो में हमारा 1-1-2 का पैटर्न रिपीट होगा। देखिए एक स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट वन पे 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। इसी तरीके से इस रो को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए ये पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ हमने पीछे ये थ्रेड को देखिए बैक साइड कर दिया है। देखिए इसका जो ये सेंटर वाला होल है इसको आप थोड़ा सा टाइट करें लेकिन फुली टाइट ना करें। इसको फुली टाइट हम क्यों नहीं करेंगे इसका रीज़न हम अभी आपको आगे बताएंगे। देखिए हल्का सा होल इस तरीके से रहने दें आप इसको, इसको भी अब हम साइड रखते हैं। अब हम आते हैं अपने लीव के पार्ट पे। लीव के लिए देखिए हम ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए लीव के लिए हमको वायर की नीड भी होगी। देखिए इस तरीके की वायर नॉर्मली मैं अपने सब फ्लावर्स में यूज़ करती हूँ इसको। देखिए सबसे पहले हम चेन वर्क करते हैं। इस तरीके से हम 11 चेन ले लें। देखिए 11 चेन हमने ले ली हैं। जो हमारी ये फर्स्ट चेन है इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वन पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वन पे हम लेंगे हाफ डबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 7 हाफ डबल क्रोशिया हमने वर्क किए हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आप देख सकते हैं 2 स्टिचेस हैं जिसमें बोथ स्टिचेस पे हम 1-1 सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं इस तरीके से। यहाँ से हम देखिए 3 की चेन लेंगे एंड ये जो हमारी स्टार्टिंग की चेन है या ये वाली स्टिच जो हमारी देखिए डबल क्रोशिया वाली है, हाफ डबल वाली सॉरी, इसके 2 लूप पे हम इस तरीके से पिकॉट स्टिच वर्क करेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेम स्टिच जिस पे अभी हमने वर्क किया हुआ है पिकॉट स्टिच, पिकॉट हमने वर्क किया था और यहाँ पे हमने 1 चेन ली हुई थी, इसी सेम स्टिच पर ही अगेन हम लेंगे सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट वन पे सिंगल क्रोशिया। मीन्स हमें सेम यही वर्क इधर रिपीट करना होगा।
नेक्स्ट की 7 स्टिचेस पे 1/2 डबल क्रोशिया, इस थ्रेड को साथ में सिक्योर कर लें। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिस्टेक कर दी है मैंने, मुझे पूरा पैटर्न ओपन करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे वायर इंसर्ट करनी थी, मैं वायर इंसर्ट करना भूल गई, सो सॉरी। देखिए 11 चेन हमारी हैं, यहाँ पे अब हम वायर अपनी ले लेते हैं और सेम पैटर्न ही हमें वर्क करना होगा। फर्स्ट को देखिए स्किप करके सेकंड वन पे हम ले रहे हैं, इस तरीके से वर्क करें कि वायर आपके बीच में आ जाए इसमें स्टिचेस के। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया ले लिया, नेक्स्ट के 7 स्टिचेस पे 1/1/2 डबल क्रोशिया ले लें। देखिए 7/2 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। देखिए लास्ट के 2 स्टिचेस पे हमें 1/1 सिंगल क्रोशिया लेना होगा, यहाँ से पिकॉट वर्क करेंगे 3 की चेन। इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर इतनी हमें ये वायर रखनी होगी, यहाँ से अब इसको राउंड कर देते हैं। एंड सेम स्टिच पर ही अगेन हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट 1 स्टिच पे हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। सेम इसी पैटर्न को इस साइड पे रिपीट कर लें। सेवन हाफ डबल क्रोशिया का वर्क हमें लेना होगा। देखिए 7/2 डबल क्रोशिया का वर्क हमारा हो गया, लास्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए लीफ का पैटर्न हमारा रेडी हो गया, जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड कुछ ऊपर की साइड आ जाए तो इसे आप कट कर दें या फिर बैक साइड पे कर लें। यहाँ से अब इतनी साइज की देखिए हम वायर इसको कट कर देते हैं वायर कटर की हेल्प से। यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड लेकर के इस थ्रेड को भी कट कर लें। देखिए इस तरीके से वायर पर राउंड कर देने से वायर देखिए ये हमने अपनी लीफ का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड में हमने इसको यहाँ पे इस पर रैप कर दिया एंड इसी सेम लीफ पार्ट की हमें 2 लीव्स रेडी करनी होगी। सेम पैटर्न की 2 लीव्स रेडी कर लें आप। अब हम अपने आते हैं फ्लावर के पार्ट पे। जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्लावर हम पिंक कलर का वर्क कर रहे हैं, आप जिस भी कलर का रोज़ फ्लावर वर्क करना चाहें कर सकते हैं। फ्लावर वर्क करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से वर्क कर लें, स्लिप नॉट ले लें एंड इसमें हम 33 चेन्स वर्क करेंगे। देखिए टोटली हमने 33 चेन्स अपनी वर्क कर ली हैं। अब यहाँ से हम 1, 2, 3 एंड 4 चेन को स्किप करेंगे एंड फिफ्थ चेन पे हम लेंगे
डबल क्रोशिया का वर्क। देखिए फोर चेन हमने इसलिए स्किप की है क्योंकि थ्री चेन हमारी एज ए डबल क्रोशिया की हाइट वर्क करेगी एंड वन चेन स्पेस का वर्क करेगी। यहाँ से अब हमें टू स्टिचेस को स्किप करना होगा। थर्ड वन पे हम वर्क करेंगे वन डबल क्रोशिया, टू की चेन एंड वन डबल क्रोशिया अगेन इन द सेम स्टिच। इट्स लाइक अ वी शेप एज यू कैन सी इट। नेक्स्ट स्किप द टू स्टिचेस इन द थर्ड वन, वर्क सेम एज वन डबल क्रोशिया, टू की चेन एंड अगेन वन डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। अगेन स्किप टू स्टिचेस इन द थर्ड वन, वर्क वी शेप इसी सेम पैटर्न को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए एंड तक हमने वर्क कर लिया है। एंड में आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टिच बच गई है ये। तो अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में आप 32 चेन से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये स्टिच भी आपकी नहीं स्किप होगी। अब हम वन चेन ले लेते हैं, वर्क को टर्न कर लेते हैं एंड इसी सेम जो हमारा ये हमने स्पेस दिया टू चेन्स का, इस पर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया एंड इसी में हमें वर्क करना होगा डबल क्रोशिया का। फोर डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री एंड फोर, फोर डबल क्रोशिया हमने लिया। अगेन इसी सेम होल पर ही हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्पेस पे जाएंगे, वन सिंगल, इसमें हमें फाइव डबल क्रोशिया का वर्क लेना होगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, सिंगल क्रोशिया। देखिए होल की स्टार्टिंग और एंड हम सिंगल क्रोशिया से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पेस वन सिंगल, वर्क फाइव डबल क्रोशिया। देखिए नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे स्टार्टिंग में, इस होल में अब हमें देखिए वर्क करना होगा सेवन डबल क्रोशिया का, नहीं सॉरी सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए सिक्स डबल क्रोशिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगेन हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्पेस में अगेन हमें सिक्स डबल क्रोशिया का वर्क करना है। देखिए ये रो भी हमारी वर्क हो गई, सॉरी ये वाला स्पेस। नेक्स्ट स्पेस में अब हम नेक्स्ट के टू स्टिच स्पेसेस में सेवन सेवन डबल क्रोशिया का वर्क करना है। तो ये टू स्पेसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं विद सेवन डबल क्रोशिया। देखिए ये टू स्पेसेस भी हमारे वर्क हो गए। देखिए अब हमारे पास अब थ्री स्पेसेस हैं, तो ये लास्ट के टू स्पेसेस पे हम वर्क कर लेते हैं एट एट डबल क्रोशिया एंड फिर हम आपको लास्ट वाला बताते हैं कि इसे कैसे वर्क करना होगा। तो टू स्पेसेस विद एट डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लें। स्टार्टिंग एंड एंड हमारा सिंगल क्रोशिया से ही होगा एवरी स्पेस पे। देखिए अब हम अपने लास्ट स्पेस पे हैं। लास्ट स्पेस पर हमें नाइन डबल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। स्टार्टिंग में हमने वन सिंगल क्रोशिया का वर्क लिया हुआ है लास्ट स्पेस पर भी। मैंने सेवन डबल क्रोशिया हो गए, एट एंड लास्ट वन
9 डबल क्रोशे हमने लिए हैं। देखिए स्टार्टिंग और एंड हम एवरी स्पेस पर सिंगल क्रोशे से कर रहे थे, ये हमारा लास्ट स्पेस है जिसपे हमने स्टार्टिंग सिंगल क्रोशे से की है, बट एंड हम इसका हाफ डबल क्रोशे पर करेंगे। 1 चेन लेकर के इस थ्रेड को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब इस थ्रेड को सिक्योर कर लें। देखिए इसको भी हमने सिक्योर कर लिया है प्रॉपर। अब हम ग्रीन कलर से इस पार्ट को रेडी करेंगे, ये पार्ट जो इसका है। इसके लिए देखिए हम नॉर्मल मैजिक रिंग ले लेते हैं। इस मैजिक रिंग में देखिए हम सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया का हमने वर्क किया। इसको पुल कर लें एंड जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इस पर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। लाइक दिस। देखिए यहाँ से अब हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 चेन हमने ली है। इसके ऐसे फर्स्ट चेन को हम अपनी स्किप करेंगे, सेकंड वन पे हम लेंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट 1 single 2 single 3 single 4 single and last 1 5 single crochet का वर्क हम ले रहे हैं। एंड जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है जिस पर हमने वर्क किया है ये नहीं, इसके नेक्स्ट वाली स्टिच पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अगेन 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन हमने ली। फर्स्ट को हम स्किप कर देंगे, सेकंड वन से स्लिप स्टिच, देन 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 एंड 5 नेक्स्ट पे हम देखिए स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से इसे पूरे राउंड पे कंटिन्यू कर लें। ये देखिए ये हमारा पार्ट रेडी हो गया। टोटल हमने इस पे देखिए कितनी वर्क की है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें देखिए हमारे फ्लावर के सारे ये पार्ट्स सब रेडी हो चुके हैं। अब हमें सब पार्ट्स को असेंबल करना होगा। देखिए इतने पार्ट्स पहले आप रेडी कर लें, फिर हम असेंबल का पार्ट इसका देखते हैं। असेंबल के लिए देखिए सबसे पहले हम ये ले रहे हैं स्टेम पार्ट इसका। तो हमें इस तरीके से देखिए आपको जो भी वायर ऑनलाइन स्टोर से भी इजीली मिल जाती है, जो वायर अवेलेबल हो सके उस वायर का आप यूज़ कर लें। देखिए हमने इस पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, मतलब जो हमारा ये 4 डबल क्रोशिया वाला वर्क था। इस तरीके से एक्चुअली ये इस पर हमारे पे रैप है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो ओपन हो जाए तो ऐसे देखिए ये वर्क होगा। तो हमें ग्लूगन की नीड होगी, तो हम ग्लूगन का ले लेते हैं। इस तरीके से इसको हमें रैप करते जाना है। एक्स्ट्रा ग्लू इस पर ना करें, बहुत ही सेफ हैंड से करें।
साथ में इसको प्रॉपर से सेट कर लें। अब हमें इस पार्ट को करना होगा। ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर देंगे। देखिए इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से इसको इस पर रैप कर लें। ठीक है, यहाँ तक इसको रैप करके यहाँ पर हम लीफ पार्ट को भी अटैच कर लेते हैं साथ में। सेकेंड लीफ को भी अटैच कर लेते हैं, इसे दूसरी साइड से करें। इसी तरीके से इसको रैप कर लें। देखिए हम इसको पूरे पे वर्क नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें आपको बताया था ना कि ये पार्ट को हम होल को थोड़ा सा टाइट नहीं कर रहे हैं, ये इसी रीज़न से नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें हमको इसको इंसर्ट करना है। आप पूरा टाइट कर देंगे इसको तो फिर इसमें से इसको निकालना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितनी आप फ्लावर की अपनी लेंथ रखना चाहते हैं, जैसे हमारी इतनी लेंथ है, जितनी लेंथ रखना चाहते हैं उतनी आप यहाँ पे स्टिक को लॉन्ग कर सकते हैं या शॉर्ट, जितना भी आप करना चाहें। तो हम इसके इक्वल में कर लेते हैं, मे बी लिटिल बिट मोर। यस, नाउ इट्स ओके। अब यहां से हमें इस पार्ट को, देखिए इस पार्ट को यहां से हम कट कर देंगे।
अब हम इस पे वर्क करेंगे। इसके लिए देखिए पहले एक हमें एक इस टाइप की कोई भी हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड शीट आप यूज़ कर लें, इस टाइप की एक शीट यूज़ करते हैं। इसको ग्लूगन की हेल्प से, ये हमने बेस पार्ट के साइज़ की हुई है, जस्ट अ मिनट सॉरी, ये देखिए इस पर हमने इसको इस तरीके से स्टिक कर दिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो भी अंदर है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी स्टफिंग में चले जाएंगे। इसके अंदर अब हम इस पर थोड़ा सा इसे ग्लू कर लेते हैं। एंड इस टाइप की हमारी ये इजली कहीं मिल जाती हैं स्टोन्स इस टाइप के, इसको इस पर रख दें बेस पार्ट पे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन, मे बी लिटिल बिट मोर। यस, अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। देखिए इस टाइप के स्टोन्स अगर आपको अवेलेबल ना हो सकें तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। बस स्टोन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे बेस पार्ट जो रहता है आपका, इसको स्टैंड होने में हेल्प मिलती है। अब आप एक बार इसमें इसको रख के देख लें कि अगर आपको लग रहा है कि ये स्टिक आपकी थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, मीन्स इसके साइज़ के हिसाब से, क्योंकि हमने नीचे इसमें स्टोन भी रखा हुआ है, तो आप इसको हल्का सा और फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको साइज सही लग रहा हो तो आप फोल्ड ना करें, बट अगर आपको लग रहा हो कि स्टिक लॉन्ग हो रही है तो आप इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लें। ये देखिए अब हमें इसको इस पे स्टिच करना होगा। स्टिच करने के लिए देखिए हम ब्राउन कलर का अपना ये यूज करेंगे। इसको एक नीडल में हम ब्राउन कलर ले लेते हैं। अब हम इसको सुई धागे की हेल्प से, ये हमने देखिए ब्राउन वाला अपना धागा जो है निडल में ले लिया है, और यहाँ पे स्टफिंग आप चाहें तो अभी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि स्टफिंग के साथ थोड़ा सा स्टिचिंग में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको करना होगा। इधर का देखिए हम एक लूप ले रहे हैं एंड इसके इनर साइड का लूप हम देखिए ले रहे हैं ये वाले। देखिए स्टफिंग के साथ में स्टिचिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने अभी स्टफिंग रिमूव की है। जब हम फाइनली अपनी कुछ हमारी स्टिचेस होंगी वर्क करने के लिए, तब उस टाइम हम अपनी स्टफिंग भी कर देंगे। इसी तरीके से इसको पहले हम यहाँ तक लगभग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमें स्टफिंग करनी होगी इसमें। देखिए यहाँ तक सॉरी यहाँ तक देखिए हमारी इतनी स्टिच बस बाकी है वर्क करने के लिए। अब हम इसमें स्टफिंग कर देते हैं। ये स्टफिंग आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा फ्लफी लुक आ जाता है उससे। ये देखिए इस तरीके से अब हम अपने फाइनली ये जो हमारी कुछ स्टिचेस लेफ्ट हैं इस पर भी हम वर्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है, हमारा क्यूट सा मिनी सा फ्लावर पॉट। अब हम दोनों को साथ में रख लेते हैं, एक हमारी रेड ब्यूटी है एक हमारी पिंक ब्यूटी है। मे बी इसकी थोड़ी सी स्टेम ये लॉन्ग हो गई है, बट नॉट टू प्रॉब्लम एनी। सो फ्रेंड्स आप लोग को ये पैटर्न कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एंड अगर आप लोग में से कोई इसे ऑर्डर करना चाहे
तो प्लीज़ हमें आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।